हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैंने मुंह हाथ धो के ब्रश व्रश सब कर लिया है। सो आई गेस टुडे इज सिक्स्थ डे एंड अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। सबसे पहले काम मैंने आज रेडी होना किया है और ऑलराइट मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस काम करना रह रहा है, शूज़ वूज पहनने रह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, what we made to fall. Slowly exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. No, nobody can tempt me. If I turn off. ऑलराइट गाइस, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। आज काफी चैलेंज था, मतलब तुषार जग गई थी तो उसको सुला के फिर जाना पड़ा। वापस आ चुकी हूँ तो अब मैं नहाती हूँ, फिर उसके बाद जो मैकरोनी मैंने बनाई थी मैं वही खाऊंगी। थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन ऐसे मैं मतलब खाने में अभी नहीं कर रही हूँ इतना, कुछ डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ अभी। सिर्फ एक बार मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, जिम, और थोड़ा बहुत डाइट पर कर रही हूँ। और नहीं हो पाता यार, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने घर पे किसी और के लिए कुछ खाना बनाओ और आप अपने लिए, वो मन हो ही नहीं पाता है। तो अभी मैं मैक्रोनी खाऊंगी, फिर उसके बाद हाँ मैं नहा के आती हूँ। बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहा है। और आज सिक्स डे मैंने कंप्लीट कर लिया है, कल है सेवन्थ डे। तो कल है ऑफ है, कल ट्यूसडे को हमारे यहाँ पे जिम ट्यूसडे को ऑफ रहता है। तो कल मेरा और डॉक्टर का टाइम मी टाइम है, तो उसके साथ पूरा दिन मैं बिताऊँगी। और जो भी एक्स्ट्रा काम बचे हुए हैं वो कंप्लीट करूँगी, प्लस हाँ बहुत सारा शूट का बचा हुआ है, मतलब डेली। ओके गाइस, सो मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, ठीक है। वैसे मैं चाय के लिए क्रेव कर रही हूँ, लेकिन मैंने सुबह पी ली थी तो अभी नहीं पीऊँगी। और बस आज कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रोज़ कहीं ना कहीं से कंटेंट निकल आ जाता है। ऑलराइट गाइस, शाम हो चुकी है और ये त्रिशा देख रही है टीवी, और टीवी देखते देखते अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या गाती है, लेकिन हाँ जो भी साउंड चल रहा होता है उससे मैच करते हुए ये गाना गाती तो है। वर्ड्स इसको नहीं पता, लेकिन हाँ जो साउंड्स है ना वो वैसे ही निकालती है। और शाम को ये हल्का सा नाश्ता किया ब्रेड और पनीर के साथ और चाय पी, और फिर इसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट डे जिस दिन छुट्टी है जिम की। सो गाइज़, ये है ट्यूसडे मॉर्निंग और शुरुआत हो रही है अगेन चाय के साथ। मेरे हस्बैंड को जुखाम था तो मैंने इसलिए दो कप चाय बनाई, वैसे मैं ही पीती हूँ, और फटाफट से नाश्ता बनाया। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, सूजी का चीला। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे तो अगर आपको देखना है तो आप लिख सकते हो। हे गुड मॉर्निंग गाइज, सो टुडे इज ट्यूसडे एंड इट्स 10:27 AM। वेट, लेट मी शो यू। आज है सेवेंथ डे एंड आई थिंक ट्यूसडे को मेरी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, आई थिंक। क्या मैंने अभी अपलोड कर दी है, बस उसमें कुछ कॉपीराइट इशू आ गया था तो उस वजह से मुझे उसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ा, मतलब म्यूज़िक वगैरह यूट्यूब लाइब्रेरी से लेने पड़े।
ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, उससे नेक्स्ट जो है वो थर्सडे को आएगी, एडिटिंग एंड ऑल. वैसे एडिटिंग हो चुकी है बट स्टिल सेवेंथ डे है और आज जिम की छुट्टी है, तो इसलिए मैं आज जिम नहीं गई हूँ. मे बी आई विल गो फॉर अ वॉक और डू सम योगा एट होम ओनली. लेट्स सी व्हाट विल आई डू. एंड ये वाली वीडियो मैं अपने सिक्स्थ डे के साथ ही अटैच करने वाली हूँ, ऑल दो ये सेवन्थ डे है और आपको मैंने दिखा भी दिया है, तो मैं इसको सिक्स्थ डे के साथ अटैच करने वाली हूँ. सो आज कुछ नहीं, बस घर पे मैं बहुत ही मिनिमल एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं ना, मतलब सिर्फ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करूँगी. और आज सिर्फ और सिर्फ त्रिशा और मैं, हम दोनों इन्जॉय करेंगे और बस आज के लिए यही है. और अभी मैं नहा के आती हूँ, फिर उस कम हियर. त्रिशा और उसकी मम्मी मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं. से हाय टू एवरीवन, से हेलो, फ्लाइंग किस दे दो सबको. शी इज़ नॉट इंटरेस्ट, अरे शी इज़ इंटरेस्टेड. एक पप्पी मम्मी गाइस. सो ये है हमारी कुछ दिन की शुरुआत. ओके, मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ. ऑल दो मैंने ब्रेकफास्ट सब कर लिया है बट स्टिल आई डोंट फील लाइक कि मैं कुछ करूँ. होते हैं ना कुछ दिन आलसी दिन, सो मेरे को कुछ याद भी नहीं आ पा रहा है कि मुझे क्या बोलना है. आई एम एक्चुअली आउट ऑफ वर्ड. हाँ, कि सारे दिन की भी वीडियो शूट हो चुकी है, प्रूफ आपने देख ही लिया है. ठीक है, और होपफुली मैंने ये 99% तो चैलेंज कंप्लीट कर ही दिया है. अब बस एक दिन और बचा है, तो एक दिन अब कल जिम जाऊंगी मैं और कल वाला दिन भी रिकॉर्ड करूंगी. और आज का वॉक वगैरह जो है ये सिक्स डे के साथ ही मैं अटैच कर दूंगी. वैसे तो ये ट्यूसडे है, अगला दिन है, बट ये लेकिन मैं आज सिक्स डे के साथ ही अटैच करूँगी, एक पहनूंगी. मतलब बहुत ज़्यादा इतने दिन से, एक तो मैं बस एक दिन रेडी हुई थी जब हम लोग बाहर गए थे, इतने दिन से घर पे रह के मैं रेडी भी नहीं हो रही हूँ. जो हालत जैसी हालत है वैसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ. आप लोग बोल रहे होगे वैसे तो बड़ा मेकअप शेकअप करके बैठती है. और बस आई थिंक मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो व्लॉग में आई डोंट फील लाइक कि मैं मेकअप करूँ. ऑल राइट गाइस, सो baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, what we made to fall. Slowly exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew. And the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. Now nobody can tempt me. So guys, bahar grocery lene gayi thi but mujhe unfortunately nahi mil pai. Aur ab shaam ko bhi nahi aayegi. Mujhe pata hi nahi tha ki aaj Tuesday ko mandi close rehti hai. So koi baat nahi, aap kal leke aaungi. Aur kafi dhoop thi aur kafi garmi ho rakhi hai. यहाँ पर मेरा जो वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया था तो मैं उसको सही कर रही थी यूट्यूब म्यूज़िक से ही म्यूज़िक लेके, और अचानक से बारिश होने लगी. बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही थी और अब अचानक से बारिश होने लग गई, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था. हाय, मुझे ऐसा लगा, मतलब नहा वहा ली मैं, फिर बाहर भी होके आ गई एक बार, ठीक है, और अभी शाम हो गई है, मतलब तब से अब तक. और मुझे ऐसा लगा कि आज जो है वो फ्री डे होगा, बट ऐसा नहीं है, नहीं हुआ. मतलब हाँ, थोड़ा बहुत तो बहुत ही इन्जॉयबल मोमेंट था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा. मतलब मैं उसको मिस नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, उस मोमेंट को. मेरा और त्रिशा का मोमेंट, यार वो कितना क्यूट मोमेंट था. मतलब यार ने ना, उसका टेंट है उसमें एक बॉक्स सा रखा हुआ है, उसमें उसके सारे खिलौने रखे रहते हैं. टेंट के अंदर गई वो, ठीक है, उसने कहीं से ढूंढ कर अपने खिलौनों के नीचे से वो बुक लेके आई. वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बुक लेके आई और मैं बीन बैग पे बैठी हुई थी, मैं देख रही थी क्या कर रही है वो, ठीक है. फिर वो आकर मेरे पास बैठ गई, ठीक है.
फिर वहाँ पर उस बुक में ना जॉनी जॉनी वाली पोएम होती है ना, वो थी, तो मैं वो पोएम उसके लिए पढ़ने लग गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर लास्ट में जब होता है ना वो ओपन योर माउथ हा हा हा, ठीक है, तो मैं वहाँ पे लास्ट वर्ड पे पहुँची ओपन योर माउथ, तो उसने अपने आप बोलना स्टार्ट कर दिया हा 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 मतलब वो बहुत क्यूट मोमेंट था। फिर उसके बाद उसने मतलब वो मेरे साथ एक घंटे तक बैठी रही और बीन बैग पे वो भी मेरे साथ चढ़ के बैठी रही। मैंने यार उस मोमेंट को रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि अगर मैं उस टाइम उस मोमेंट को रिकॉर्ड करने जाती तो मे बी वो मोमेंट मुझसे मिस हो जाता, फिर वो कुछ और करने लग जाती, तो इसलिए फिर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। और फिर वो बैठी मेरे साथ और उसमें फिर मैंने बोला एप्पल क्या है, तो वो बोल तो पाती नहीं है एप्पल क्या है, तो एप्पल तो बोल नहीं पाती। फिर उसके बाद एप्पल पे मतलब उसको भी पता नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाती है, तो उसमें मेरी फिंगर ला के एप्पल पे रखे अपम अपम बोल रही मतलब एप्पल नहीं बोल रही अपम बोल रही। तो और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, वो टीवी में कोको मेलन या जितने भी इसके कार्टून और राइम्स वगैरह देखती है, तो मैंने उसको नोटिस करा है कि लेटे लेटे वो ही वर्ड्स बोलती है, मतलब पूरा तो नहीं बोल पाती है लेकिन वो एक्चुअली में वो वर्ड्स बोल रही होती है, मतलब उसको ना याद होने लग गई हैं जो राइम्स हैं। सो ये तो कुछ अपडेट है, और बस वो ही मोमेंट मैं यहाँ कैप्चर नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी काफ़ी देर से लेकिन मेरा मन ही नहीं कहा, मैंने कहा यार फिर ये तो मोमेंट निकल ही जाएगा, छोड़ो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो उसने रोटी वोटी खाई और फिर वो सो गई, और फिर मैंने सोचा था यार आज का बिजी डे नहीं होगा, तो फिर मेरे दिमाग में एक टेंशन थी। मैंने आपसे बोला था ना मैंने रिकॉर्ड कर लिए वीडियो, तो रिकॉर्ड करके मैंने डाल दी, बट यार वो वीडियो में ना पूरी वीडियो पे म्यूज़िक आ गया, मतलब पहले तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो फिर मैंने उसको एडिट करा यूट्यूब स्टूडियो पे लाइब्रेरी में जाकर यूट्यूब म्यूज़िक लगाकर, ठीक है। फिर लेकिन क्या हुआ, अब वो म्यूज़िक पूरी उस पर लग गया, तो मतलब जो मैं बात कर रही थी तो उस पर भी म्यूज़िक पूरा लग चुका था, तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया, यार इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है। फिर उसके बाद फिर सेकेंड वीडियो भी मैंने वो अपलोड कर दी थी, उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो मैं फिर बहुत देर से बैठ कर उसी को सही कर रही थी। और अभी जस्ट अभी मेरे पास आया है सेकंड वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ोन पे कि आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, सो आई एम सो हैप्पी। तो देखते हैं, अभी मुझे चेक करनी पड़ेगी कहीं उस पर भी तो पूरे पे म्यूज़िक नहीं लग गया। सेकंड वीडियो जो है उसमें मैंने थोड़े मोमेंट्स कैप्चर करे हैं, और थर्ड वीडियो की एडिटिंग अभी मैं देख रही हूँ क्या क्या करना है, और कुछ एस्थेटिक क्लिप्स भी अटैच करने हैं, तो वो मैं थर्ड वीडियो पे वर्क कर रही हूँ। तो मतलब शूट का काम हो गया, बस अभी एक दिन का शूट बचा है जो कल का शूट है। कल है वेडनसडे, तो आज है सिक्स डे, तो आज तो जिम नहीं था, तो इसलिए मैं आज बैठी हुई हूँ खाली, और तो एडिटिंग वाले वर्क, और फिर बहुत सारे लोग ओके बीच में कैमरा बंद हो गया था, तो मुझे ईमेल वाला ऑप्शन डिलीट करके फिर उसके बाद में शूट कर रही हूँ। मेरे फ़ोन में यार स्पेस की बहुत दिक्कत रहती है मुझे, इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, और कोई बात नहीं वो तो रहेगी, इतनी सारी वीडियो बनाओगे फिर उसके बाद वीडियोस मैनेज नहीं करोगे तो फिर होगी, इस चीज़ पे मुझे ध्यान देना है। ओके सो मैं क्या कहने जा रही थी, सो कल तो सेवन डे हो ही जाएगा, आई गेस हो ही जाएगा, मतलब कल का दिन अगर निकल गया तो ठीक है। अब से इसके बाद आई थिंक क्या बोलते हो 30 days चैलेंज ले लें, 30 days मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मैं 30 days चैलेंज ले रही हूँ, और अपडेट दूँगी मैं आपको 30 days चैलेंज के बाद, मतलब रिजल्ट्स देखेंगे। और 30 days में देखो 30 के 30 days तो मैं जिम नहीं जा सकती, उसमें से एटलीस्ट 4-5 दिन तो यही होंगे कि ट्यूसडे आ गया तो छुट्टी हो गई। मैं ट्राई करूँगी कि मैं घर पे ही एक्सरसाइज करूँ प्लस वॉक, और हाँ 4 बार तो जिम जाने की कोशिश करूँगी, एटलीस्ट 4 times देन फिर 3 times, मतलब मैं मोस्टली एक्टिव रहना मेरा पर्पस है, जिम जाके बॉडी बनाना या मसल्स बनाना वो तो ऑब्वियसली मेरा पर्पस नहीं है अभी फ़िलहाल, मतलब पहले कभी किसी ज़माने में, मतलब अब मैं आपको बता ही देती हूँ, बहुत टाइम पहले मतलब दो तीन साल पहले मैं जिम जाके लिटरली वेट लिफ्टिंग और ये सब चीज़ें भी करती थी, बट अभी फ़िलहाल मेरा ये मेन फोकस नहीं है, मतलब डंबल्स वम्बल्स उठाना और कोशिश कर रही ज़्यादा से ज़्यादा हैवी डंबल्स उठाने की, बट अभी मेरा फ़िलहाल ये गोल नहीं है। अभी मेरा फ़िलहाल गोल है कि एक्टिव रहना है और गेट इन शेप, एंड एक्टिव रहना मेन मेरा गोल है, और डंबल उठा के मसल्स और बाइसेप्स बनाना मेरा गोल नहीं है। अभी सिर्फ मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी फिट हो जाए, उसके अलावा आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, सिर्फ फिट चाहती हूँ।
ऑल दो हाँ ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी फिट हो जाती है तो आपकी इच्छाएं और बढ़ जाती है, फिर आप क्या सोचते हो कि अच्छा चलो लेट्स हैव सम यू नो एप्स, लेट्स हैव सम दिस, या फिर पूरा डाइट कॉन्शियस हो जाते हो, तो वो एक बार सनक, मुझे पता है ना वो सनक सवार होती है तो फिर वो चलती चली जाती है, फिर ना फिर दिन में सपने में भी जिम जिम दिखाई देता है। वो एक टाइम था ऐसा जब मैं भी ऐसे करती, बट अभी फ़िलहाल मेरा वो गोल नहीं है, आगे भी शायद वो वाला गोल तो नहीं होगा क्योंकि नहीं